हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज फिर मैं लेके आ गया हूँ लीब्रा डेटाबेस के लिए एक वीडियो। जी हाँ दोस्तों, क्वेरीज को लेकर के लीब्रा डेटाबेस पर वीडियोस ज्यादा अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर या गूगल पर, तो क्यों ना लीब्रा डेटाबेस को बहुत ही सरल भाषा में, हिंदी भाषा में क्यों ना बनाया जाए इस पे वीडियो, और जो काम हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी हम डेटाबेस पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो वहां पर जैसे आप कैलकुलेट करते हो, यहां पर कैलकुलेट करने का क्या सिस्टम है। हालांकि कुछ वीडियोस मैंने लीब्रा डेटाबेस को लेकर बनाई है कि कैसे उस पर एंट्रीज करी जाए, तो चलिए आज उसी के बारे में बात करेंगे लीब्रा डेटाबेस की। तो लीब्रा डेटाबेस जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड के लिए अवेलेबल है नेट पर, अगर आपके पास नहीं है, आपके पास एक ठीक ठाक सिस्टम होना चाहिए, कॉन्फिग्रेशन अच्छी होनी चाहिए सिस्टम की, उसमें आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। लीब्रा डेटाबेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है, और बिल्कुल जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस काम करता है वैसे लीब्रा ऑफिस भी काम करेगा। उसमें आपको कई सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जैसे कि लीब्रा राइटर, लीब्रा कैल्क और लीब्रा बेस डेटाबेस, इस तरह के सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। उसमें लीब्रा प्रेजेंटेशन के लिए भी मिल जाएगा, जैसे कि हम पावर पॉइंट यूज करते हैं, ठीक है, तो उसी की बात करेंगे। और उसमें हम कौन सा सॉफ्टवेयर देखेंगे, हम देखेंगे डेटाबेस वाला सॉफ्टवेयर। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो यहां से मैं लीब्रा ऑफिस ओपन करता हूं। लीब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है और इसी में हमें मिल जाएगा लीब्रा ऑफिस बेस, ये जो बेस है ये, और जो पावर पॉइंट जैसा सॉफ्टवेयर हम लीब्रा ऑफिस में यूज करते हैं उसे कहते हैं इंप्रेस, ठीक है। तो अभी हम लीब्रा ऑफिस बेस की बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। इसमें अब ये ओपन हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा तरीका अलग है। अब यहां पर ये आ चुका है, एक विंडो ओपन हो चुकी है, इसमें कह रहा है वेलकम टू लीब्रा ऑफिस डेटाबेस विजार्ड, कह रहा है क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो हमें न्यू ही तो क्रिएट करना है, यहां से नेक्स्ट पे करता हूं क्लिक। हमें रजिस्टर नहीं करना है, नो डू नॉट रजिस्टर द डेटाबेस, इस पे क्लिक कर दीजिए, टिक कर दीजिए और यहां से फिनिश पे कर दीजिए क्लिक। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, इस डेटाबेस को क्या नाम देना चाहते हैं। मैं यहां पे दे देता हूं माई फर्स्ट डेटाबेस, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये दे दिया हमने और इसे सेव कर लिया। अब एक नया सिनेरियो हमारे सामने ओपन होगा जो कि कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये ओपन हो रहा है तो आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखिए। और इसके जो फाइल की एक्सटेंशन होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बात करें तो .accdb यानी डेटाबेस, ये फाइल की एक्सटेंशन हुआ करती थी, या MDB भी कहते थे हम डेटाबेस के लिए। यहां पर .odb, ठीक है, आप देख सकते हैं .odb ऊपर ये आ रहा है .odb, तो यहां पर होती है फाइल की एक्सटेंशन .odb। ये सॉफ्टवेयर लिनक्स में प्रयोग किया जाता है, लिनक्स जो कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें प्रयोग में लाया जाता है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। यहां पर हमें जाना है क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, इस पर क्लिक कर दीजिए माउस से, ये क्लिक कर दिया हमने। अब हम फील्ड नेम पे आ जाते हैं। पहला फील्ड नेम हमें देना क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ स्टूडेंट का नाम देना चाहते हैं, तो यहां पे लिख दिया स्टूडेंट नेम, ओके, तो ये स्टूडेंट नेम दे दिया हमने। और यहां पर बहुत सारे डेटा टाइप जो कि माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा है कुछ, वो हमें मिल जाते हैं। यहां पर देख सकते हैं, ये चीजें मैंने पहले भी बताई है, टिनी, ठीक है, फिर यहाँ पे इमेज, बाइनरी, बाइनरी, इस तरह के मेमो, टेक्स्ट, डेसिमल, इंटीजर, स्मॉल, फ्लोट, ये सारे डेटा टाइप आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, अभी यही रहने देना है यहाँ पे, ये सही है टेक्स्ट, ओके, वेयर केयर। यहां पर अब आएगा स्टूडेंट के सब्जेक्ट का नाम, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि यहां पर हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की, तो यहां लिखता हूं मैं फिजिक्स, और सेकेंड जो सब्जेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस कर देता हूं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस ये दूसरा सब्जेक्ट है। इन दोनों के मार्क्स को हमें करना है ऐड, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस, ओके, तो यहां पर कंप्यूटर साइंस लिख दिया हमने। ये सारे डेटा टाइप है, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको यहां पर, ये सारे डेटा टाइप है, इनका अलग अलग मतलब है, एक नेक्स्ट वीडियो में इन सबका मतलब मैं समझाऊंगा, हालांकि इसके पहले भी मैं समझा चुका हूं, लेकिन पूरा और भी ज्यादा डिटेल में इसको मैं बता दूंगा। फिलहाल ये वीडियो देखिए, ये वीडियो क्वेरी को लेकर के है, और बहुत ही आसानी के साथ जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ऐड कर पाते हैं, मल्टीप्लाई कर पाते हैं, यहां पर भी कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए अब यहां पर इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐड करने के लिए यहां पर कोई टोटल आपको लिखना नहीं है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहां पर चूज करना है इंटीजर, ये जो इंटीजर दिख रहा है ना ये मैं चूज कर लेता हूं, और यहां पर भी क्या चूज कर लेता हूं, इंटीजर चूज कर लेता हूं, दोनों में इंटीजर चूज किया है हमने, और यहां से
अब सेव वाले बटन पे कर देते हैं क्लिक, तो ये टेबल वन के नाम से सेव हो जाएगा। ये कह रहा है कि कोई भी प्राइमरी की आपने नहीं दी है, आपको याद होगा प्राइमरी की क्या होती है, मैंने आपको एक्सेस में बताया है। यहां से यस कर दीजिए आप, जैसे यस करेंगे तो यहां पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो है प्राइमरी की है, अब इसको सेव कर लेता हूं, तो ये सेव हो गई। अब इसको क्लोज करता हूं यहां से। अब यहां पे देख सकते हैं टेबल वन ये जो नाम है वो आ गया यहां पे। अब हमें क्या करना है, इसमें क्वेरी बनानी है। क्वेरी ये हमारा टेबल है और यहां पर हमें क्वेरी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो क्वेरी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देख लीजिए ये हमारी टेबल है, इसको दिखा देता हूं मैं। यहां पर हम कुछ इंटर कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट की आईडी है 12, ठीक है, स्टूडेंट का नाम है राम, और यहां पर फिजिक्स के मार्क्स आएंगे, और यहां पर सेकंड जो कंप्यूटर साइंस है उसके मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह से रोल नंबर 13 यानी स्टूडेंट आईडी 13, और यहां पे कर देता हूं रितेश, और यहां पर आएंगे 78 मार्क्स, और यहां पे कर देता हूं 56 मार्क्स। तो ये इस तरह से दो मार्क्स, इसको क्लोज करता हूं। ये हमारे पास टेबल है, और अब हमें कहां जाना है, क्वेरी पे जाना है। तो क्वेरी कैसे बनेगी, यहां पर क्लिक रखना है आपको, और यहां से क्वेरीज पे कर देना है क्लिक, और ये इस तरह से क्वेरी आ जाएगी आपके सामने। और यहां पर ये जो टेबल वन है इसी को हमें ले लेना है, तो यहां पे ऐड करवा दीजिए, ऐड करवा दिया। अब हमें कंप्यूटर साइंस के मार्क्स को और फिजिक्स के मार्क्स को, इन दोनों को ऐड करना है। मैं पहले आईडी ले लेता हूं, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे करते हैं, फिर स्टूडेंट नेम ले लेता हूं, फिर फिजिक्स ले लेता हूं, फिर कंप्यूटर साइंस ले लेता हूं। इतने ही सब्जेक्ट हमने लिए थे, ठीक है, हमने यहां कोई टोटल नहीं लिखा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हमें क्या करना है, सिंपली डबल इंटेड कोर्ट्स लगाना है, वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर डबल इंटेड कोर्ट्स, ठीक है, डबल इंटेड कोर्ट्स लगा लिया। यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे पी एच वाई एस आई सी एस, फिजिक्स लिख दिया हमने, डबल इंटेड कोर्ट्स को क्लोज कर दिया, फिर प्लस लिखा हमने, और फिर यहां पर कंप्यूटर साइंस हमें देना है। तो यहां पे कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है हमें, इसको थोड़ा विड्थ बढ़ा लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। अब यहां पे कंप्यूटर साइंस लिखना है, तो जैसे लिखा है कंप्यूटर साइंस वैसे कंप्यूटर साइंस लिख दीजिए, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि इसे डबल इंटेड कोर्ट्स में लिखना है, कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है, ओके। तो ये कर दिया हमने, और यहां पर इसको डबल इंटेड कोर्ट्स ओपन किया, फिर यहां पर क्लोज कर दिया, दोनों काम हमारा हो गया। अब इसको किस नाम से सेव करना है, टाइटल क्या होना चाहिए, तो यहां पे मैं कर देता हूं टोटल, ओके, ये टोटल कर दिया हमने, बस हमारा काम हो गया है। अब हमें इसे सेव करना है, ठीक है, क्वेरी वन के नाम से ये सेव होना चाहता है, तो इसे सेव कर दिया हमने। और सेव करने के बाद अब इसे हम रन करवाएंगे, तो यहां से हम इसे रन करवा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहां पर टोटल होके आ रहा है, ऊपर देख सकते हैं आप, अगर मैं यहां पर कोई भी चीज एंटर करता हूं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट आईडी 67 है, ठीक है, और यहां पर कर देता हूं सोनी, ये नाम है स्टूडेंट का, और यहां पे 56, और यहां पे कर देता हूं 45, तो यहां पे टोटल अभी नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट कॉलम में हम जाएंगे तो यहां पे अपने आप टोटल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोई और स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 3, ठीक है, और यहां पर उसका नाम है अवनी, ये दे देता हूं, और यहां पर मार्क्स आएंगे तो 43 और फिर 45, तो यहां पे देख सकते हैं 88, अपने आप ये आ जा रहा है, अपने आप कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं इससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो बहुत अच्छा है, आप लीब्रा डेटाबेस पर भी काम कर सकते हैं, और बेहतर होगा कि लीब्रा डेटाबेस पे ही काम करें। तो आगे चल करके इस पर और भी ज्यादा वीडियोज आएंगी, तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।